जी कि जो लोग दुश्मन खुश होते हैं कि मर गया हमने मार दिया उन्हें, तो ये आयत आती है कि वो मरे नहीं वो जिंदा है। इसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे उसका मतलब ये आखिरत के अंदर दे विल बेनिफिट, इस दुनिया में वो लोग की फौत हो गए, उसका मतलब ये नहीं कि वो रू बरू फिजिकली दे अलाइव। इट डजेंट मीन दैट एट ऑल रिगार्डिंग द क्वेश्चन दैट इज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलाइव स्पिरिचुअली, इज टीचिंग द अलाइव स्पिरिचुअली, इज खातिमुन नबीन, इज एंड ऑफ द प्रॉफिट एंड हिज मैसेज विल रिमेन टिल द लास्ट डे, बट फिजिकली Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is dead, he is buried in Medina, physically he is dead, he is not alive, but his teachings are alive. Ji, agli call dekhte hain kiske saath hai, hello? 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 Ji? Hello? Ji, assalamu alaikum. Ji, wa alaikum assalam, main Canada se bol rahi hoon. Ji? मेरा सवाल यह है कि इन्होंने परसों जो नशिस्त हुई थी उसमें फरमाया था कि हजरत ईसा अलैहि सलाम दोबारा आएंगे जी। अब मुझे ये बताएं कि रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया और दोनों जहानों के बादशाह जी, अगर वो मदफून हो गए तो ईसा अलैहि सलाम क्यों दोबारा आएंगे? क्या उनकी तालीम इतनी नाकस थी कि उनको ईसा आके चलाएंगे? जी बहुत अच्छा सवाल है बहन जी का कि जब ईसा अलैहि सलाम वापस से क्यों आएंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबी हैं। पहला ये है कि ईसा अलैहि सलाम एक वाहिद नबी है जिनको अल्लाह सुबहाना व तआला ने ज़िंदा उठाया। इसकी वजह ये है कि जितने नबी और रसूल अल्लाह सुबहाना व तआला ने भेजे, खुसूसन ईसा अलैहि सलाम के मानने वाले, उनको गलत फहमी थी कि ईसा अलैहि सलाम ने खुदा होने का दावा किया। बाकी कोई भी नबी कोई भी रसूल के मानने वाले को ये गलत फहमी नहीं थी कि उनने खुदा होने का दावा किया। इस गलत फहमी की वजह से अल्लाह सुबहाना व तआला ईसा अलैहि सलाम को ऊपर उठा लेते हैं। सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 158 में लिखा हुआ है। और वो जब वापस आएंगे, उन्हें क्यों उठा ले गया? क्योंकि वो वापस आएंगे और लोग से ये कहेंगे कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं खुदा था, मैंने कभी भी नहीं कहा कि आप मेरी इबादत करो, बट उन्होंने कहा था अब्दुल्ला आप अल्लाह की इबादत करो, रब्बी और रब्बुकुम जो मेरे रब है और आपके रब है। ये सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 16 की आयत में लिखा हुआ है। तो उनको इसीलिए उठाया गया है, वो आके हमें कुछ नई चीज़ नहीं बताएंगे। जब ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे तो वो मुसलमानों को कोई भी नई चीज़ नहीं बताएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में कि हमने इस्लाम आपके लिए चुना और ये सबसे बेहतरीन मज़हब है और इसके और ये मुकम्मल कर दिया आपके लिए, वी हैव कम्प्लीट द दीन फॉर यू। ईसा अलैहिस्सलाम इसीलिए आएंगे तो कि क्रिश्चियन लोग उनसे कहेंगे कि आपको गलतफहमी है, मैंने कभी भी नहीं कहा कि आप मेरी इबादत करो। और ये जब आएंगे ये उम्मत मोहम्मदी जैसे आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रसूल जैसे नहीं आएंगे, वो आएंगे उम्मत मोहम्मदी जैसा और जो शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है उसको फॉलो करेंगे और वो क़यामत के लिए एक निशानी होंगे। इसलिए वो नमाज की इमामत भी गालिबन नहीं, इमामत भी वो इमाम मेहदी इमामत करेंगे गालिबन, जो बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल आपके लिए एक और आया है और बड़ा बेसिक सा सवाल है, और एक साहब ने ये वाशिंगटन डीसी से पूछा है कि एक शख्स की पैदाइश का वक्त, उसकी ज़िंदगी, उसकी मौत का वक्त, ये सब कुछ पहले से मुतय्यन है, कुछ भी इंसान के अपने हाथ में नहीं है, तो फिर ज़िम्मेदार इंसान को क्यों बनाया जाता है? कुछ लोग जो मुसलमानों के घर पैदा हुए बच्चे वो मुसलमान बन गए कलमा पढ़ के, कुछ जो गैर मुस्लिम के घर पैदा हुए बहुत अच्छे हैं नेक हैं लेकिन गैर मुस्लिम हो गए, बकौल आपके वो जन्नत में नहीं जा सकते। तो ये सब कुछ तो अल्लाह ताला डिसाइड कर रहा है, इंसान के अपने बस में तो नहीं है, तो फिर इंसान को जिम्मेदार क्यों करार दिया जाता है? ये सवाल बहुत अहम है, गैर मुसलमान भी करते हैं मुसलमान भी कहते हैं अबाउट कदर अबाउट डेस्टिनी। जी अल्लाह सुभान सब कुछ डेस्टिनी में लिख चुका है, पहले से लिखा गया है, हमारा हम क्या करेंगे? वो अगर लिखा हुआ है कि मैं चोरी करूंगा तो मैं चोरी किया जी, तो जिम्मेदार कौन? जी अल्लाह ताला। अगर मैं कुछ गलत काम करूंगा, अगर लिखा है डेस्टिनी के अंदर क्या मैं झूठ बोलूंगा तो झूठ बोलता हूँ, कौन जिम्मेदार? आपको पहले ये चीज़ जानना चाहिए कि कुछ चंद चीज़ हैज़ बीन डिस्टाइन, मतलब वेर अ पर्सन वुड बी बॉर्न व्हेन ही डाइड एक्सेट्रा। आई गिव द एग्जांपल ऑफ अ क्लासरूम दैट व्हेन अ टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, जब क्लास में बच्चे लोग को पढ़ाती है, एक साल बाद एग्जाम होने के पहले टीचर कहती है कि ये बच्चा नंबर, ये जो बच्चा है जो ये सेकेंड क्लास से पास होंगे, ये दूसरा बच्चा है बच्चा नंबर बी वो फर्स्ट क्लास से पास होंगे, बच्चा नंबर सी ही विल फेल, और एग्जामिनेशन होती है, बच्चा नंबर ए पास विद सेकेंड क्लास, बच्चा नंबर बी पास विद फर्स्ट क्लास फर्स्ट, बच्चा नंबर सी फेल्स। आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, द स्टूडेंट नंबर सी हु फेल्स, कैन ही ब्लेम द टीचर दैट बिकॉज द टीचर सेड आई फेल आई फेल्ड?
यानी हू स्टूडेंट, द टीचर और द स्टूडेंट, द स्टूडेंट, द टीचर न्यू कि ये बच्चा नंबर जो बी है वो ज़्यादा स्टूडियस है, वो पढ़ाई करता है, बच्चा नंबर सी जो है वो पिक्चर देखता है, स्कूल में बंक करता है, इसीलिए फेल होएगा। तो ये उनका प्रेडिक्शन है, टीचर प्रेडिक्स एंड देन से दैट द स्टूडेंट नंबर सी विल फेल। जस्ट बिकॉज द टीचर प्रेडिक्स द स्टूडेंट नंबर सी विल फेल, दैट डज नॉट मीन द टीचर इज टू ब्लेम। सिमिलरली अल्लाह सुबहाना व तआला हैज मेड सर्टेन थिंग फिक्स, व्हेन अ पर्सन विल बी बॉर्न, व्हेन ही विल डाई, बट द अदर थिंग्स हैज गिवन यू फ्री ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल, यू कम एट अ क्रॉस रोड, अक्रॉस रोड में देर आर फोर रोड्स, रोड नंबर 1, 2, 3, 4, यू कैन चूज एनी, यू चूज रोड बी, रोड नंबर 2। सो अल्लाह सुबहाना व तआला हैज इल्म गैब, ही नोज इन एडवांस दैट व्हेन यू कम एट द क्रॉस रोड यू विल बी चूजिंग रोड 2। सो बिकॉज देयर इज इल्म गैब, ही हैज रिटन इन द कदर इन एडवांस दैट व्हेन यू कम एट द क्रॉस रोड यू विल बी चूजिंग रोड 2। इट इज नॉट बिकॉज अल्लाह हैज रिटन दैट यू आर चूजिंग रोड 2, इट इज बिकॉज यू विल बी चूजिंग रोड 2, अल्लाह इन एडवांस। सिमिलरली व्हेन यू गो एट देयर अनदर क्रॉस रोड, road number A, B, C, D is there, you choose road number D. It is not because it is written that you're choosing road number D. नहीं, अल्लाह कहता है मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो अल्लाह की ही मर्जी से तो कर रहा हूँ। ये मैं कह रहा हूँ ना जी, अल्लाह की मर्जी, कुछ चीज फिक्स्ड है, when will a person be born, when he'll die. But अल्लाह ताला आपको फ्री विल देता है, कुरान की आयत है, अल्लाह ताला gives you free will. मिसाल के तौर पर आप जब प्रोफेशनल पास होते हैं, आप डॉक्टर भी बन सकते, इंजीनियर भी बन सकते, आपने चूज किया इंजीनियर बनना, ये चॉइस किसकी थी? आपकी थी। लेकिन अल्लाह ताला को इल्मे गैब है कि आप जब 20 साल के बाद आप जब पास होंगे टेंडर 12, तो आप ये करेंगे, तो वो एडवांस में लिखते हैं। जस्ट बिकॉज अल्लाह के पास इल्मे गैब है, जस्ट बिकॉज अल्लाह इज राइटिंग इन एडवांस, यू नॉट ब्लेम अल्लाह फॉर दैट। फॉर एग्जाम्पल, आप बड़े होने के बाद आप कमा सकते, हक से कमा सकते, सच्चाई से कमा सकते, ईमानदारी से कमा सकते, या चोरी करके, चॉइस आपकी है, आप चोरी करते। डॉक्टर साहब, सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं प्रोग्राम के, और मुझे बताया गया कि बेशुमार दोस्तों की कॉल इस वक्त होल्ड पे हैं, देखते हैं तेजी से कॉल ले सके या नहीं। हेलो, हेलो, सलाम अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से? प्रोफेसर इसरार बात कर रहा हूँ, कराची से। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर मसूद साहब और डॉक्टर जाकिर साहब, पहले तो आप दोनों का शुक्रिया अदा करूंगा कि इतना अच्छा प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। मेरे बहुत मुख्तसर से 3 सवाल आते हैं, बहुत छोटे छोटे से, डू देम वेरी क्विकली। एक तो ये कि जो खवातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं वो अल्ट्रासाउंड करवाती हैं जेंडर मालूम करने का बच्चे का, क्या वो जायज है या नहीं? दूसरा ये कि हम जब सऊदीया या दुबई के अंदर होते हैं, वापस पाकिस्तान आते हैं, तो हमें दोनों रिलीजन में बहुत फर्क महसूस होता है। वी कैन टेल द डिफरेंस कि नमाज पढ़ने का तरीका और यहाँ की जो फॉलोइंग है, जो सब कुछ है, उसमें थोड़ा सा इलाबोरेट करें कि व्हाट आर वी डूइंग रॉन्ग और क्या चीज सही है इन टर्म्स ऑफ नमाज, इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग द इमाम्स एंड ऑल। और तीसरा ये कि जो कुरान खानी वगैरह होती है, खत्मे कुरान होता है, हम मदरसे से बच्चों को बुला के कुरान खानी करवाते हैं या खुद अपने रिश्तेदारों को बुलाकर कुरान खानी वगैरह करवाते हैं, क्या वो सही है कि नहीं? जी, जी, मैं कंट्रोल रूम से बताना चाहूंगा, ब्रेक पे जाएंगे हम या प्रोग्राम? जी ब्रेक के बाद, फिर और ब्रेक के बाद कंटिन्यू होगा प्रोग्राम। जी ठीक है, जी हम डॉक्टर साहब ब्रेक के बाद फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं जवाब, अभी चाहें तो मुख्तसर से जवाब। एज फार एज अल्ट्रासोनोग्राफी इज कंसर्न, इफ इट फॉर अ मेडिकल रीजन टू डायग्नोस अ डिजीज, अ वुमन कैन डू अल्ट्रासोनोग्राफी ओनली टू नो द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, सो दैट इट वेदर इज अ गर्ल और अ बॉय, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज इट रिस्पेक्टिव वेदर द चाइल्ड इज अ गर्ल और अ बॉय, इट्स अ देन ऑफ अल्लाह सुबहाना व तआला, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। सो ओनली टू नो द सेक्स एंड देन इफ यू डिसाइड दैट विल आई अबॉर्ट, दैट्स टोटली हराम। सो ओनली टू नो द सेक्स, इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू डू the ultrasound, but if you have a medical problem to note the disease, that lady can do ultrasonography. नमाज का फर्क महसूस होता है, सऊदी अरब से आते हैं पाकिस्तान तो बहुत से तरीके मुख्तलिफ, कोई ऊंची आमीन कह रहा है, कोई आहिस्ता आमीन कह रहा है, क्या करें लोग? इसके अंदर जो हमें ये देखना चाहिए, कुरान और सही हदीस में क्या लिखा हुआ है, जो कुरान और सही हदीस से साबित होता है उसे फॉलो करना चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर सही बुखारी में कई सही हदीसें, एक नहीं कई सही हदीसें जिसमें लिखा हुआ है कि सूरह फातिहा के बाद आमीन जोर का बोलिए तो कि आपका आमीन और एंजल्स फरिश्ते का आमीन मैच होना चाहिए तो आपको सवाब मिलेगा, तो आमीन करना ज़रूरी है। तो हमें यह देखना चाहिए कि सही हदीस में क्या लिखा हुआ है, तो और किसा कहेगा हनफी तरीका सही है, कशाफी तरीका सही है, लेकिन हदीस और कुरान से रुजू करें। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, सवालात भी लेंगे दोस्तों के, ईमेल्स पे जो बातें हैं वो भी पूछेंगे, लेकिन एक मुख्तसर सा ब्रेक, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, आप कॉल कीजिए डॉक्टर जाकिर नायक के साथ, आखिरी सेशन के लिए आते हैं हम एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन।